बेगूसराय में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मृतक की खून से सनी लाश सुबह परिजनों ने देखी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि खाना खाकर वो खेत पर अड़हल और हल्दी कटाई के लिए गए थे। घटना बहारा स्थित चक्की बाद बहियार की है। इधर सूचना मिलते ही बकरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सिसुवन थाना क्षेत्र के नंदा मुंडा गांव में पिस्टल के साथ सीवान के जदयू सांसद कविता सिंह और उनके पति को मारने आए तीन युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए युवकों में एमएच नगर थाना क्षेत्र के सिसुवा कला का राहुल कुमार सिंह, अभिषेक सिंह और डेरा राय के बंगरा का भानु प्रताप सिंह शामिल है। बिहार में कोरोना संकट के बीच बेखौफ अपराधियों ने समस्तीपुर में एक व्यवसायी को गोली मार दी। घटना पूसा थाना क्षेत्र के दिगरा नोवाचक गांव की है। अपराधियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब व्यवसायी बीरेंद्र यादव अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे। बिहार में पिछले 15 दिनों में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौत के बावजूद लोग भीड़ जुटाने वाले आयोजनों से बाज नहीं आ रहे हैं। शादी से लेकर मुंडन उपनयन तक धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय में हादसा हो गया। सिमरिया घाट पर मुंडन के लिए सामूहिक गंगा स्नान करने पहुंचे तीन युवक नदी में डूब गए। इनमें से एक युवक को लोगों ने निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दो अन्य युवक की तलाश जारी है। मृतक की पहचान विकास कुमार के रूप में की गई है। सरकार ने कोचिंग और स्कूल बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन पटना के कंकड़बाग में एक कोचिंग संचालक इस आदेश को हवा में उड़ा रहा था। दो कमरे में 200 बच्चों की कोचिंग चलाकर उनकी जान खतरे में डाल रहा था। इसकी भनक पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को लग गई। उन्होंने तुरंत प्रभाव छापेमारी कराकर कोचिंग को सील कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जैप 5 के जवान गोपाल सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद देर रात इलाज के दौरान उसकी पत्नी पूनम देवी ने भी दम तोड़ दिया। पूर्वाहन पुलिस लाइन में जवान के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। सलामी देकर पार्थिव शव को जवान के लातेहार के बरवाहडीह थाना क्षेत्र के केचकी उसके पैतृक गांव भेजा गया। गुप्त सूचना के आधार पर निरसा एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर 33 मवेशी लदा एक ट्रक जब्त किया है। इस दौरान एक दूसरा मवेशी लदा ट्रक मेथल टोल टैक्स का बैरियर तोड़ते हुए फरार हो गया। अवैध कोयला कारोबारियों पर पुलिस लगातार सख्त है। कतरास थाना क्षेत्र के मालेकेरा लाल धौड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राज बिहारी लाल के नेतृत्व पर अवैध कोयला कारोबार को लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान 4 ट्रैक्टर अवैध कोयला बरामद किया गया। रांची के जगन्नाथपुर इलाके में पिस्टल की नोक पर हुई महुआ कारोबारी निकेश मिश्रा से 1.25 करोड़ रुपए डकैती मामले में पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को दबोच लिया है, साथ ही लूटे गए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। मालगाड़ी के डब्बों से चुराई गई चीनी मिठाई दुकानों में खपाई जा रही है। इसका खुलासा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रेलवे स्टेशन के आरपीएफ ने किया है। आरपीएफ ने धनबाद के राजगंज बाजार स्थित राधा मिष्ठान भंडार में छापेमारी की। यहां से एक बोरी चीनी और चीनी की 7 खाली बोरी बरामद की गई। चीनी को मिठाई दुकान के गोदाम में चौकी के नीचे छुपाकर रखी गई थी। छापेमारी के दौरान मिठाई दुकानदार विशाल चौरसिया भाग निकला। दुकान के कर्मचारी सूरज को हिरासत में लेकर आरपीएफ पूछताछ कर रही है।